दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके बारे में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं ग्लासेस के बारे में। अब आपको देखने में ये थोड़े से नॉर्मल से ग्लासेस लग रहे होंगे, आप कह रहे होंगे इसमें ऐसा खास क्या है। अब खास चीज़ जो है वो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी साइड्स आप देख रहे हैं ये ही बनाती है इसको थोड़े से फ्यूचरिस्टिक ग्लासेस। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा किसके बारे में बात करने वाले। ये है बेसिकली एक ऑडियो ग्लासेस है और ये आते हैं हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्यूबो गो ब्रांड की तरफ से। अब ये वाले ब्रांड ने वेरिएबल्स में एंटर कर लिया एंड यहाँ पे दोस्तों इनका ये फर्स्ट प्रोडक्ट है वेरिएबल्स में और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है यार, मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे इसके जो प्राइस है वो 6000 रुपये है और 6000 रुपये में आपको ये ऑडियो स्मार्ट ग्लासेस मिल रहे हैं। तो सारी चीज़ें बात करेंगे इसमें वीडियो में कि कैसे फीचर्स मिल जाते हैं हमें, कैसा एक्चुअल यूज़र एक्सपीरियंस मिल जाता है और क्या प्रैक्टिकल यूज़ में कैसे रहते हैं ग्लासेस वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये इंटरेस्टिंग गैजेट है काफ़ी, वीडियो के एंड तक देखना यार, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वाली वीडियो में। तो लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं एंड फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों वीडियो में सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लासेस के बारे में। तो ये वाले ग्लासेस हैं दोस्तों, सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिक बिल्ड है पूरे ग्लास की एंड यहाँ पे जो फ्रेम है पूरा, यहाँ पे जो पूरी बॉडी है ना वो प्लास्टिक से बनी हुई है, बट यहाँ पे जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो एकदम बढ़िया वाली यूज़ की हुई है क्योंकि यहाँ पे मैट प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वालिटी दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे इस तरह कुछ यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड है, यहाँ पे जो है मैट टेक्सचर है आपको दिख ही रहा है जैसे कि, तो इस तरह कुछ डिज़ाइन है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे जो दो बटन्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील वाले बटन लग रहे हैं मुझे, और यहाँ पे यही जो बटन है आप यूज़ कर पाएंगे म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए, इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे कॉल भी अटेंड कर पाएंगे आप इन्हीं की मदद से। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं बॉडी कुछ इस तरीके की है एंड यहाँ पे जो ये सेक्शन दिख रहा है ना आपको, इसी में बेसिकली आपके जो स्पीकर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होगी स्पीकर ग्रिल दी हुई है, एक आपको दिख रही होगी स्पीकर ग्रिल है ये पूरी एंड दोनों साइड आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है छोटी छोटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से आपके जो ईयर्स के बिल्कुल पास आ जाती है ये चीज़ एंड वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे ऑडियो एक्सपीरियंस के बारे में, बट यहाँ पे जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कुछ इस तरह की है एंड यहाँ पे हिंजेस के लिए यहाँ पे एक अलग से पीस लगाया हुआ है, मेटल पीस है शायद, और जिसकी वजह से आपका जो इतना वाइड आपका जा सकता है ये फ्रेम की जो स्टिक है, तो इस तरह के कुछ बंद हो जाते हैं ये एंड काफ़ी सही है यार, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। थोड़ा सा बड़ा तो लगता है ग्लासेस की जो स्टिक है वो होल्ड करने में आपको पता लगेगा कि यार ये नॉर्मल ग्लासेस से तो काफ़ी अलग है। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल लगाया हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से थोड़ा सा ये थिक हो जाता है, बट हाँ पहना हुआ काफ़ी सही सा लगता है। तो यहाँ पे क्यूबो की ब्रांडिंग भी दी गई है इसी साइड में, तो इस तरह के कुछ हैं। और जो मेन सनग्लासेस के लेंसेज है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ये दोस्तों एंटी यूवी रेज वाले हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, यहाँ पे आपको सन प्रोटेक्शन करेंगे। तो वही है मतलब सनग्लासेस वाले ग्लासेस लगाए हुए हैं यहाँ पे, जिससे कि आप इनको सन मतलब धूप में पहन सकते हैं आसानी से, बट इस तरह के कुछ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो स्पेक्स वाले बंदे हैं ऑलरेडी यानी कि हमारे जैसे, तो उनको बहुत परेशानी आने वाली है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नंबर वाले स्पेक्स लगे हुए हैं, तो हम इसको कैसे पहने। अब यहाँ पे मेरे को लगता है कि ब्रांड्स को है ना कुछ करके जुगाड़ लगाना चाहिए कि जिनके पास पहले से ऑलरेडी ग्लासेस हैं नंबर वाले, तो वो भी पहन पाए या कुछ इस तरीके से इनको ऊपर पहन सके, या अभी तो अच्छा नहीं लगेगा खैर, बट हाँ इस तरह कुछ लगता है। एक बार मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ ये कैसे लगते हैं। सो इस तरह के दोस्तों कुछ लगते हैं, आपको दिखा देता हूँ क्लोज लुक, इस तरह के कुछ ग्लासेस लगते हैं ये। अब मेरा थोड़ा फेस जो है बड़ा है, तो उसमें थोड़ा सा एकदम परफेक्ट फिट बैठता है यहाँ पे मेरे हिसाब से और मेरे मतलब फेस पे। अब मैंने दूसरे लोगों को भी ट्राई कराया फैमिली मेम्बर्स में भी, बट वहाँ पे जैसे किसी का मुँह अगर थोड़ा स्मॉल साइज़ का है या फिर जो फेस है उनका छोटा है, तो वहाँ पे ये जो है थोड़े से बड़े लगते हैं एंड कई लूज़ भी लगते हैं उनके फेस पे। तो इस तरह के दोस्तों है, अगर आपका थोड़ा सा फेस मेरे जैसा है मतलब थोड़ा सा सही हैवी फेस है, तो यहाँ पे आपके फेस पे परफेक्ट फिट बैठ सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरीके से कुछ है, और यहाँ पे लूज़ भी नहीं पड़ते हैं इतनी जल्दी से, तो वहाँ पे भी मेरे को कोई टेंशन वाली बात लगी नहीं। तो इस तरह के दोस्तों कुछ फिटिंग वगैरह बैठती है। बाकी आप बताइएगा कैसा लग रहा था मैं ग्लासेस को पहनने के बाद, बट अब आ जाते हैं अपने नॉर्मल रूप में। तो हाँ ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों अब मुझे सब कुछ दिख गया है, तो इस तरह के कुछ ग्लासेस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी मेन चीज़ के बारे में, जो कि है इनकी ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। यहाँ पे दोस्तों मैं इन वाले ग्लासेस को ऑलमोस्ट 10 डेज के अराउंड से यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इन वाले जो ग्लासेस में है ना,
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मेरे को देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो है ये आप पहनते हैं जब, तो जो स्पीकर वाला पार्ट है वो आपके साइड्स में आ जाता है बिल्कुल ईयर्स के, जिसकी वजह से जो ऑडियो है वो आपको क्लियर सुनाई देती है। अब यहाँ पे आप साउंड सुनिए, मेरे को वैसे एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी इससे जितनी इसने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैंने शुरू में दोस्तों सोचा था कि ये जो ग्लासेस है चलो ठीक है एक नई टेक्नोलॉजी है, अभी धीरे धीरे और भी अच्छी हो दे रही, बट यार यहाँ पे 6000 रुपये के हिसाब से इसका जो प्राइस के हिसाब से इसमें क्वालिटी दे रहा है जो साउंड क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया। मुझे नहीं पता कौन से स्पीकर्स लगाए हुए इन्होंने, बट यहाँ पे जो स्पीकर क्वालिटी है ना वो बहुत क्लियर है, डिसेंट है, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस रहा। मतलब ओवरऑल यार बिल्कुल भी जैसे विदाउट ईयरफोन्स अगर आपको गाने सुनने को मिल रहे हैं एकदम सराउंड साउंड जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों फुल वॉल्यूम करने के बाद भी अगर आपसे कोई 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी बंदा खड़ा है उसको नहीं सुनाई देते गाने बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल आसपास कोई बंदे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सी बीट सुनाई देगी, जैसे कि अगर लाउड वॉल्यूम पे ईयरफोन्स में सुनते हैं तब भी थोड़ी सी बाहर जो आउट होती है आवाज तो तब भी सुनाई देती है, वैसा ही कुछ सीन यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा। लेकिन अगर आपसे 1 मीटर में भी बंदा खड़ा है ना दूर इतने हैंड के डिस्टेंस पे भी तब भी दोस्तों आपको उस बंदे को सुनाई नहीं देता, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब बहुत अच्छे से एम्बेड किए हुए हैं स्पीकर्स को इस वाले जो फ्रेम में है। अब यहाँ पे दोस्तों साउंड क्वालिटी बहुत क्लियर मिल जाती है, काफ़ी लाउड भी मिल जाती है इसके फ्रेम के हिसाब से एंड किसी भी म्यूजिक लवर के हिसाब से। अब इतने लाउड नहीं मिलते जितने ईयरफोन्स हमारे होते हैं, क्योंकि ईयरफोन्स में तो आपको पता ही है ऑडियो लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई मिल जाता है, इसमें एकदम मेंटेन्ड साउंड है और जो फुल वॉल्यूम पर अगर आप सुनते भी है ना गाने तो उस पर आप ईजिली सुन पाएंगे किसी भी शोर वाले इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर आपको दिक्कत भी नहीं लगेगी एंड आप एन्जॉय भी कर पाएंगे। बेसिकली मैंने इसको यूज़ किया है जो वो किया है अराउंड 70-80 या फिर 90% वॉल्यूम के आसपास, क्योंकि उस वॉल्यूम में मतलब अच्छा मजा सा आता है, थोड़ा सा लाउड भी हो जाता है एंड काफी ज्यादा अच्छा सा पता भी चलता है कि हाँ वही गाने अच्छे से चल रहे हैं, बट बाहर बंदे किसी को नहीं पता चल रहा कि हम म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कनेक्टिविटी जो है ना वो ब्लूटूथ 5.0 की है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, आपके लैग वगैरह भी कोई भी मतलब जैसे कई बार होता है ना कुछ ईयरफोन्स मैंने टेस्ट किए थे वहाँ पे है ना ऑडियो थोड़ा सा लैग हो जाता है, अगर आप स्टार्ट कर देना जब म्यूजिक तो थोड़ा ऑडियो देर में आता है म्यूजिक में फिर सिंक हो जाता है रियल टाइम में, बट यहाँ पे रियल टाइम में शुरुआत से ही आपको सिंक मिलेगा म्यूजिक वगैरह और जो भी मतलब आप चीज़ें कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 6 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम दिया गया है कंपनी की तरफ से जो क्लेम किया गया है, बट मेरे यूज़ में मैंने जैसे कि आपको 80-90 के आसपास मैंने वॉल्यूम पे गाने सुन रहा था इस पे एंड काफी अच्छे से मतलब मजा आ रहा था, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि ये पहने हुए थे सामने कुछ दिख नहीं रहा था बट म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे तो ये चीज चल रहा था। बट जो है दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस इस तरह रहा बैटरी के हिसाब से, यहाँ पे आपको ये 3 घंटे या 3.5 घंटे या फिर 4 घंटे मैक्सिमम दे रहा था मुझे इस मतलब जितनी वॉल्यूम पे मैंने इसको सुना था और मतलब इस तरह का कुछ बैकअप मिल रहा था, बट हाँ काफ़ी सही है मेरे हिसाब से, तो मतलब स्मार्ट ग्लासेस के हिसाब से एक काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड इतना आपको बैकअप मिल रहा है तो बहुत सही है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया कोई भी स्मार्ट ग्लासेस तो वहाँ पर मेरे को मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही लग रहा है मुझे बैटरी के हिसाब से, मेरे को इतनी ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़ों की, तो कॉलिंग की बात कर लेते हैं। अब कॉलिंग में काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कॉलिंग का एक्सपीरियंस, दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ बीच में लाइट चली गई थी तो उसने वीडियो में डिले करवा दिया और भी ज़्यादा, बट कोई बात नहीं कॉलिंग की बात कर रहे थे हम। कॉलिंग यहाँ पे दोस्तों कैसी हो जाती है इन वाली क्लासेस में, यहाँ पे दोस्तों एक ओमनी डायरेक्शन माइक्रोफोन दिया गया है जो कि मतलब काफ़ी अच्छे से आपकी वॉइस को कैप्चर कर लेता है एंड मैंने इसको कॉल में ट्राई करा पूरा जैसे कि नॉर्मल जैसे मैंने ये पहने हुए वैसे मैंने इनको पहना हुआ था एंड यहाँ पे सामने वाले बंदे को एकदम क्लियर साउंड जा रही थी मेरी, मैंने खुद भी ट्राई करा बल्कि किसी और को पहना के जो साउंड सुनने का, बट बहुत ज्यादा क्लियर साउंड आ रही थी यार। मेरे को बहुत पसंद आई इस चीज में कि माइक्रोफोन जो लगाया हुआ है इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड स्पीकर्स की बात करूं वो मैंने जैसे आपको बताया म्यूजिक एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होता है उसमें, उसी तरह एकदम जैसा ऐसा लगता है कि फोन को उठा के हम बात कर रहे हैं किसी बंदे से बिना फोन को उठाए, तो यहां पर यह चीज काफी ज्यादा सही है कि आप इसको पहन के कॉलिंग के मामले में बहुत सही है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा जैसे कि अगर प्रैक्टिकल चीज की बात करें तो जैसे कि अभी इतने ज्यादा लोग फ्यूचरिस्टिक नहीं हुए हैं, कितने ज्यादा लोग अभी फेमिलियर नहीं हुए टेक्नोलॉजी से, बट अगर आप यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, अगर आप इसको बाय कर रहे हैं या फिर आपने बाय कर ली या फिर आप कर सकते हैं इसे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ से अगर आपने इसे बाय करा है पहन के पब्लिक में निकलते हैं ना
तो एक काफ़ी मतलब अलग सी फील आएगी आपको बात करते हो फ़ोन पे। जैसे कि आप बात कर रहे हैं किसी से तो सामने बंदा सोचेगा किससे बात किससे कर रहा है बिना ईयरफोन्स लगाए या फिर बिना फ़ोन को लगाए, तो इस तरीके से दोस्तों सामने वाले बंदा कन्फ्यूज हो सकता है। बट हाँ, कुछ लोगों को आइडिया भी लग सकता है इससे, क्योंकि इसका जो साइज़ है साइड वाला जो स्टिक है तो उससे पता भी चल सकता है कि ये हाँ कोई गैजेट है या फिर इसी के थ्रू वो बात हो रही है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन एकदम अच्छा कूल सा लगता है इसको पहनने के बाद, तो हाँ वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। हालाँकि हम जैसे लोगों के नसीब में नहीं है ये पहनना अभी के लिए, क्योंकि हमारा नंबर आया चश्मा एंड इसको लगा के तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। तो अभी भी जो मैंने इसको पहन के आपको दिखाया तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस कैमरा पता है सामने है तो उस हिसाब से मैं बना रहा था। बट दोस्तों मेन चीज़ ये है कि ये वाले जो ग्लासेस है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, मतलब अलग सा एक्सपीरियंस था, एक अलग सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिली है हमें। एंड ये डेफिनेटली से अगर आपके ऑलरेडी स्पेक्स नहीं लगोगे हमारी तरह तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। अगर आप कोई इंटरेस्टेड हैं न्यू गैजेट में, एकदम न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको हैंड्स फ्री कॉलिंग करनी है, ईयरफोन्स नहीं लगाने हैं, म्यूज़िक सुनना है मस्त, तो ये गैजेट यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। एक बार आपको इसकी थोड़ी साउंड भी सुना के दिखा देता हूँ इस माइक्रोफोन के थ्रू, थोड़ा ट्राई करता हूँ आपको सुनाने की। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनको कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन से एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैटरी लेवल 80% दिखा रहा है अभी, तो ठीक है 80% हमारी बैटरी है। तो उस पर बाद हम चलते हैं एक बार YouTube वगैरह पे, एक बार कुछ प्ले करके सुनाता हूँ आपको इससे। तो गाइस अब आवाज़ सुनना है इसकी, मैंने साउंड ऑन कर दी है तो काफ़ी सही है यार। मतलब मैंने बिल्कुल पास करके तो मेरे को तो सुनाई दे रहा है म्यूज़िक, बट हाँ यार बहुत ज़्यादा सही है। हल्की हल्की ये जो चीज़ें ये तो वाइब्रेट होएगी थोड़ी थोड़ी क्योंकि यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, लेकिन जो यार ऑडियो है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको पहन के सुनने के बाद। एंड आपको भी डेफिनेटली से बहुत मज़ा आने वाला अगर आप इसको यूज़ करते हैं। फिलहाल म्यूज़िक को बंद करते हैं। एंड ये कुछ इस तरह के दोस्तों हमारे क्यूबो गो स्मार्ट ग्लासेस हैं, एंड ये दोस्तों आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं इन्हें। अमेजोन या फ्लिपकार्ट की लिंक जो भी होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 6,000 रुपये के दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गैजेट लगा मुझे। आप बताइए आपको कैसे लगे ये वाले स्मार्ट ग्लासेस, ईयरफोन्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं जिन्हें म्यूज़िक के लिए, कॉलिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। गेमिंग तो मैं क्या कहूँ, गेमिंग अगर आप सोच रहे हो कि गेमिंग कैसी है तो देखो साउंड तो अच्छे से सुनाई दे देती है, लेकिन वही है ना कि लेटेंसी आपको मिल जाती है। तो ये वैसे भी गेमिंग ईयरफोन वाली चीज़ नहीं है, ये है मज़े लेने की वाली चीज़ और एक अलग सी टेक्नोलॉजी का पीस है हमारे पास। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है यार, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर आपको एक हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस चाहिए म्यूज़िक कॉलिंग वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, साथ ही साथ आपको यूवी प्रोटेक्शन, मतलब स्मार्ट ग्लासेस आप ढूंढ रहे हैं, सनग्लासेस आप लेने की सोच रहे हैं 2-3 हज़ार के आप लेंगे, तो ये वाले आप ले सकते हैं 6,000 रुपये के। एंड यहाँ पे 6 मंथ्स की वारंटी आपको मिल जाती है, काफी इजीली आप इनको यूज कर सकते हैं एंड बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आप इनको यूज कर पाएंगे। यहां पे दोस्तों एक और चीज आपको मिल जाती है, इनकी एक एप्लीकेशन भी है क्यूबो नाम से ही, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इनको स्टार्ट करने के लिए, इनको बेसिकली इनकी सारी सेटिंग्स करने के लिए। तो यहां पे इसको इंस्टॉल करता हूं, फिर आपको थोड़े से फीचर्स भी दिखाता हूं एप्लीकेशन के भी। तो ये दोस्तों इसकी क्यूबो गो एप्लीकेशन, यहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट करने हैं क्यूबो गो ग्लासेस एंड वहाँ पे जाके आपको पेयरिंग करने हैं मोड, पेयरिंग मोड में ऑन करके ग्लासेस को, तो उसके बाद आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे इसकी, जो मतलब सारी चीज़ें आपको दिखा देगा एप्लीकेशन के अंदर, आप सेटअप कर पाएंगे इसकी जो वॉल्यूम वगैरह है या फिर सारी चीज़ें देख पाएंगे। ये दोस्तों क्वालकॉम की एपटेक्स साउंड को सपोर्ट करता है, तो वो HD ऑडियो थोड़ा, मैंने जैसे ये बताया आपको ऑडियो एक्सपीरियंस काफ़ी क्लियर है इसका, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और अच्छा एनहेंस हो जाता है वो, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको इस ग्लासेस की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताना आपको ये वाले ग्लासेस कैसे लगे, कैसी लगी वीडियो, लाइक कर देना दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा एंड मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में जल्द ही। टिल देन बाय बाय।